बाबर काल। बाबर भारत कब आया इसके बारे में पूरा पूरा अध्ययन करेंगे। इसके लिए कि भारत में बाबर ने कब आक्रमण किया गया, किस प्रकार बाबर ने सत्ता स्थापित की गई और कौन कौन से युद्ध हुए और किस प्रकार इसके जीवनी और किस वंशज से आता है अपन पहले अध्ययन करेंगे। इसका अपने एक स्ट्रक्चर बनाकर अध्ययन करेंगे कि किस वंश का था, किस काल का था, किस समय भारत में आक्रमण किया, पूरा अपने विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अब ये मेरी गारंटी है कि ये इसके वीडियो के बाद में आप जो अपन कक्षा को अपलोड करेंगे वीडियो में, तो ये कक्षा ध्यान रख लेना, इसमें आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना विस्तृत और डिटेल के रूप में बाबर के बारे में अध्ययन पढ़े, पूरा मुगल काल पढ़ेंगे। अपने पीछे भी अध्ययन किया था सल्तनत का, पर अपने उसमें वीडियो को नहीं डाला, इसको अपन वीडियो डालेंगे। तो ये पूरा इतना अध्ययन करेंगे कि पूरा कहीं किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रही, पूरा डिटेल से एक एक चीज कहां से निकली है और कहां से नहीं बनेगी ध्यान रख लेना। पहला पहला इसका वंश कौन सा था, कौन सा वंश था इसका, इसका मुगल वंश था। अब जब भी किताबों के अंदर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका बाबर किस वंश का था या भारत में किस वंश के रहे की स्थापना की, तो ये मुगल वंश था। अपने ये अध्ययन करेंगे मुगल वंश आया कहां से, किस शब्द से मुगल बना है। मुगल तो शब्द वैसे अपन देखा जाए तो मुगल शब्द किससे बना, मंगोल से बना है, किससे बना, मंगोल से। अब मंगोल इस्लाम नहीं थे, मंगोल मंगोलों के नेता थे मैन कौन थे, चंगेज खान, वो इस्लाम नहीं था। बाबर तो इस्लाम धर्म के वक्त है, तो फिर ये इस्लाम धर्म में कब कन्वर्ट हुए, किस प्रकार आए। कहते हैं कि चंगेज खान के चार पुत्र थे, कितने पुत्र थे, वैसे तो इसको 200 पुत्र माने जाते पर चार सत्ता स्थापित की थी, चार पुत्र थे, उसमें से द्वितीय पुत्र था चंगताई। क्या नाम था, चंगताई। इसी चंगताई की 14वीं संतान, कितनी संतान, 14वीं संतान बाबर की क्या थी, माता थी। 21 में ये मिश्रण होने के कारण इसको मुगल शब्द मंगोल से बना है, आए समझ। दूसरा अपन अध्ययन करते हैं ये इसकी माता कितने वंश थी, चंगेज खान के 14वें और चंगेज के द्वितीय पुत्र था चंगताई। अब एक चीज ध्यान रखने, चंगेज वैसे अब मैंने बोला कि ये कौन थे, इस्लाम नहीं थे, तो फिर इस्लाम कैसे। चंगेज खान का एक पुत्र था जोची खान, क्या नाम था, जोची खान। जोची खान का या चंगेज खान का पुत्र था बुरके खान, बुरके खान। ये पहला व्यक्ति था जो मंगोल जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, ये भी ध्यान रख लेना। ये चंगताई का भाई था जोची खान, इसी का पुत्र था बुरके खान। इसी बुरके खान के, बुरके खान ने ही पहली बार इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि केव के अंदर इस्लाम के खूब सारे सैनिक थे, इन्होंने धर्म से, इनके इतने दृढ़ निश्चित थे धर्म के ऊपर, इनको देखकर इतना प्रभावित हुआ कि इसने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया, और इसी के बाद चंगताई के वंशज भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करते। तो ये यहां से इस्लाम धर्म से शुरू होता, क्योंकि एक साइड में एक पुत्र था चंगेज खान का हलाकू, क्या नाम था, हलाकू। ये हलाकू इस्लाम धर्म को विध्वंस करने के लिए तुला हुआ था, जगह जितने भी इस्लाम धर्म के केंद्र थे उनको नाश कर रहा था, उसी सामने ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ, इसी का भाई था बुरके खान। ऐसा तो यहां से ये मंगोलों का माना जाता है कि मंगोल वंश कहां से, मंगोल, मंगोल के बाद में यहाँ चंगताई, चंगताई के बाद में इसकी 14वीं संतान थी बाबर की माता, अपना आगे अध्ययन करेंगे माता का क्या नाम था, और ये इसी के आधार पर मुगल। अब आपको समझेगी बाबर खुद मंगोलों को असभ्य बर्बर कहता था, तो ये अपने आप में मुगल कहलाने पसंद नहीं करते थे, ये अपने आप को क्या कहते थे, तैमूरिया कहते थे, क्या कहते थे, तैमूरिया। बाबर अपने आप, बाबर या इनके वंशज जो भी हुए थे सारे वंशज अपने आप को तैमूरिया कहते थे, न कि मुगल कहते थे, ये ध्यान रख लेना। वो मुगल सबसे चिढ़ते थे, अपने आप के लिए वो तैमूरिया वंशज का प्रयोग करते। अब तैमूरिया वंशज का प्रयोग क्यों होता था, कि बाबर तैमूर की पांचवी पीढ़ी का व्यक्ति था,
तैमूर के चार पुत्र थे, उमर शेख मिर्जा। अभी ध्यान रखना, बाबर के पिता का नाम भी उमर शेख मिर्जा है, तो उमर शेख मिर्जा द्वितीय है। अपन यहां लिखे नहीं जीवनी बाबर की। अब बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखना। पिता का नाम क्या था? उमर शेख, ये मिर्जा इनकी उपाधि थी, उमर शेख मिर्जा ये द्वितीय था। तो आज का मीनिंग और भी कोई होगा, तो प्रथम तैमूर का पुत्र था उमर शेख मिर्जा, दूसरा पुत्र था जहांगीर, तीसरा पुत्र था मियां शाह। ये मियां शाह के वंशज ही है तैमूर, तैमूर के बारे में मियां शाह मिर्जा, सबके पीछे उपाधि इनकी मिर्जा लगी, तो मियां शाह थे। अब मियां शाह के पुत्र थे महमूद, ये भी सुल्तान बने। महमूद के बाद में इनके पुत्र थे अबू सैद, कौन था अबू सैद, अबू सैद के बाद में उमर शेख मिर्जा। अबू सैद के चार पुत्र थे, उनमें से एक मिर्जा थे उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा कहां के शासक थे? फरगना के। कहां के शासक थे? उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। इसीलिए पांचवी पीढ़ी का कौन था? बाबर। इसलिए वो अपने पिता से कितनी पीढ़ी थे? तैमूर से पांचवी, और माता से चौदहवीं पीढ़ी चंगेज खान से माने जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका अध्ययन करते हैं अपन कि इसके माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, ये ध्यान रखना। अकबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। अब इनके दादा का नाम अबू सईद था, क्या नाम है? दादा, अब दादी। अब इस प्रकार तो अपन यदि याद करेंगे दादा दादी, तो शासकों के सिर्फ यही काम बचा अपने पास में कि दादा दादी नाना नानी के नाम याद करते। और ये इनका एकदम महत्व इसलिए है, इनका नाम था आयशा बेगम, आयशा दौलत बेगम भी मिलता था, आयशा बेगम। अब ये ध्यान रखना, ये दादी जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में बाबर को गद्दी पर बैठाने और शासन चलाने में सहयोग करने वाली यही महिला थी आयशा बेगम, इसलिए इसका नाम आपने उल्लेख किया। वैसे कि कहीं कहीं जगह किताबों के अंदर मिलता है कि इनके नानी का नाम एहसान दौलत बेगम। क्या नाम मिलता है? एहसान दौलत बेगम। कहते हैं नानी के सहयोग से ये अपने सत्ता पर बैठा, पर वो गलत है, ये अपनी दादी के सहयोग से बैठा था, इसका नाम है आयशा बेगम। आए समझे, नाना की नाम ये की बच्चा फिर इसको क्यों छोड़े? नाना का नाम क्या था? यूसुफ। क्या था? यूसुफ। ये इनका जीवन परिचय था मूल मूल, ये यहां से कहां से उत्पन्न हुआ है कहां है। अब अपन के एक बच्चा के मुगल क्यों प्रयोग किया? और भी शब्द थे तैमूरिया कर लेते, तो मुगल शब्द का प्रयोग क्यों किया? अब मुगल शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, 16वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, यूरोपीय लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? यूरोपीय लोग जब भारत में आते हैं तब इन्होंने इनके लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया गया। अब एक व्यक्ति है डेविड मॉर्गन, मॉर्गन्स, डेविड मॉर्गन्स ने पुस्तक लिखी द मंगोलस, दी या द मंगोलस एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अंदर पहले वाक्य शब्द का प्रयोग किया गया मुगल शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुगल शब्द किसने प्रयोग किया, तो ये यूरोपीय व्यक्तियों ने भारत में जो बाबर के वंशज थे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मुगल, पर मुगल शब्द का प्रयोग किया। ये अपने आप को तैमूरिया कहते थे। अब ये कि मुगल शब्द का अर्थ क्या होता? मुगल शब्द का अर्थ ध्यान रख लेना, मोंग लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर।
ये लैटिन भाषा का शब्द है मंग, उससे निकला हुआ है, और इस मुगल शब्द का अर्थ होता है बहादुर, ये भी ध्यान रख लेगा। अब अपने ये अध्ययन करने के बाद में क्या होता है कि बाबर उमर शेख मिर्जा की मृत्यु पर 1400 कब बैठा था 94 में गद्दी पर बैठा था, उस समय 11 वर्ष 4 माह का, मान लीजिए 11 वर्ष 4 माह का एक लड़का ही है, और तो क्या हो सकता, बताओ उसको बुजुर्ग तो नहीं कह सकते। तो ये इतना योग्य या सक्षम नहीं था शासन चलाने में, फिर भी ये सत्ता पर बैठाया, और इसमें बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, संरक्षण के रूप में काम किया था शुरू शुरू में आयशा बेगम, इसकी दादी थी। अब जब ये सत्ता पर बैठा तो सत्ता पर प्राप्त करने के बाद में इसके खूब सारे ऐसे कठिनाइयां थी। सबसे बड़ी कठिनाई थी कि ये अपने आप को तैमूरिया वंशज को, तैमूरिया तैमूर का वंशज कहने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे, इसलिए जो तैमूर की राजधानी थी समरकंद, तैमूर की राजधानी कौन सी थी, वैसे तैमूर का राज्य ट्रांस अक्षाणिया क्षेत्र का पूरा उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का ऊपर का क्षेत्र पूरा इसका क्षेत्र था तैमूर के लिए, पर मैन उसका ट्रांस अक्षाणिया क्षेत्र था और उसकी राजधानी थी समरकंद, और बाबर जिस समय गद्दी पर बैठा वहां कहां का शासक था फरगना, अभी छोटा सा राज्य इसके लिए अपर्याप्त था, इसलिए उन्होंने पूर्वजों की राजधानी या पूर्वजों के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरे पूर्वजों की भूमि मेरे पास में हो, अपने आप में एक तरह से एक लगाव जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो समरकंद पर अधिकार करना चाहता है। एक बार आपने इसको पुनः देखी, ये बाबर, बाबर किस वंश का था, मुगल वंश का था, मुगल वंश किस शब्द से बना, मोंग लैटिन भाषा के जिसका अर्थ होता है बहादुर, इसका मुगल शब्द प्रयोग किसने किया था, तो मुगल शब्द यूरोपीय व्यक्तियों ने किया था, एक व्यक्ति है डेविड मॉर्गन्स, इसके पुस्तक है दी मंगोलस, मंगोलस इस पुस्तक के अंदर इस मुगल शब्द का प्रयोग किया गया। एक पुस्तक है जंगल बुक, जंगल बुक पुस्तक है किसके, रुपयार्ड किलपिंग, उस पुस्तक के अंदर भी मोगली शब्द भी कहा जाता है, ये भी मुगल शब्द से मिला जुला शब्द है, तो ये भी यूरोपियन था रुपयार्ड किलपिंग। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि ये अपने आप को कौन से वंश कहते थे, तैमूरिया, ये अपने आप को मुगल शब्द का प्रयोग नहीं करते, मुगलों ये मंगोलों को तो बर्बर कहता था बाबर, ये ऐसा भी है ये अपने आप में, इसलिए ये अपने आप में कौन से शब्द का, तैमूर। बाबर तैमूर की कितनी पीढ़ी था, 5वीं पीढ़ी की, और माता की और चंतई खां की कितनी पीढ़ी था, 14वां वंशज माना जाता है, इसलिए इस दो वंशों के बहुत खतरनाक विश्व के दो वंशों का एक मिश्रण था। अब ये खच्चर नहीं बनाता भाई, घोड़ा और गधे से खच्चर बनता, इस प्रकार खच्चर नहीं बनाता, ये बहुत ही योग्य और सक्षम राजा बना था। अब जब इसके अबू सैद की मृत्यु होने पर 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र उमर शेख मिर्जा फरगना पर बैठा, द्वितीय है ध्यान रखना कि तैमूर के पुत्र का नाम भी क्या नाम था, नाम था उमर शेख मिर्जा था, और इसका भी उमर शेख मिर्जा, ये द्वितीय उमर शेख मिर्जा के बाद प्रयोग शब्द कर लिया जाता है प्रथम द्वितीय, तो ये ध्यान रखना उमर शेख मिर्जा द्वितीय। अब अपन अध्ययन करेंगे पहले, इससे पहले कि बाबर की उपाधि कौन कौन सी थी, इससे पहले अपन किसका अध्ययन करेंगे, उपाधियों का अध्ययन करेंगे, बाबर की उपाधियां कौन कौन सी थी, उसके बाद में उसका राज्य संघर्ष या भटकता हुआ जीवन उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पहले अपन अध्ययन कर लेते हैं कि उपाधि कौन कौन सी। बाबर की जो पारंपरिक उपाधि थी या उसको पैतृक रूप से मिली हुई उपाधि थी, ये थी मिर्जा उपाधि, आए समझे। उसके बाद इन्होंने 1507 के अंदर पहादशाह की उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि की धारण की, पहादशाह की। अब ये ध्यान रख लेना, पहादशाह की उपाधि इससे पहले भी, ये पहादशाह और बादशाह एक ही शब्द है, एक ही शब्द, बादशाह का सुदृढ़ या वास्तविक शब्द पहादशाह है, और उसी को अपन प्रयोग करते हैं ज्यादातर बादशाह। ये बादशाह की या पहादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, ये ध्यान रख लेना। ये एक तो तैमूर का मैंने बताया 4 पुत्र थे, उसमें से एक था शाहरुख, उसी शाहरुख ने ये पहादशाह की उपाधि धारण की थी, और उससे पहले एक व्यक्ति और था जिसने ये पहादशाह की उपाधि धारण की थी, कौन सी था,
ये मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, पादशाह की उपाधि धारण करने वाला शुभकुत भीम, शुभकुत भीम ये गजनी का शासक शुभकुत भीम, इसने भी पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति था शाहरुख जो तैमूर का पुत्र था। तो इन्होंने पहले बादशाह और पादशाह की उपाधि धारण की। और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, ये ध्यान रखें, बाबर ने जब 1526 के अंदर खाकान की उपाधि भी धारण की, ये भी ध्यान रखना, 1526 के अंदर खाकान की उपाधि भी धारण की थी। और बाबर को जब ये पानीपत का युद्ध जीत गया था, उसके बाद अपना आगे अध्ययन करेंगे, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर को खूब सारा दान दिया था, बाबर ने धन बांटा था, इसलिए इसको कलंदर भी कहा गया। कौन सी उपाधि दी गई, कलंदर। और बाबर की कौन सी उपाधि, ये ध्यान रखना, बाबर ने हजरत फिरदौसी मखानी, ये भी बाबर ने उपाधि धारण की है, हजरत फिरदौसी मखानी, ये भी बाबर की उपाधि है। एक और उपाधि मैं लिख रहा हूं, अपन इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाए, कोई आपको वापस जाकर पुस्तक पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं रहेगी। हजरत फिरदौसी मखान ये भी इनकी उपाधि है। और कौन सी उपाधि है, इन्होंने खानवा विश्वयुद्ध के बाद में गाजी की उपाधि भी धारण की है, काफिर को मारने वाला एक धार्मिक उपाधि है, कौन सी है, गाजी। कौन से युद्ध के बाद में, खानवा के युद्ध के बाद में ये उपाधि धारण की थी, गाजी। और इनकी कौन सी उपाधि, इनको इन्होंने बहुत ही बगीचे लगाने का, बागान लगाने का बड़ा शौक था, इसलिए इसको मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। मालियों का कहेंगे राजकुमार भी शब्द का प्रयोग होता है, इनको जीवनी लेखक का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, जीवनी लेखकों का राजकुमार, इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। इनको आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, इनको आजीविका ढूंढने वाला, क्योंकि भटकता रहा अपने आजीविका लिए, कभी फरगना, कभी समरकंद, कभी काबुल, कभी भारत के लिए आया, इस प्रकार ये जीवन भटकते हुए जीवन की तरह अपने आजीविका के लिए, इसको आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है। तो इनकी मुख्य मुख्य उपाधियां हैं, कौन कौन सी है, पहली मिर्जा, ये पैतृक उपाधि थी, इसको त्याग कर 1507 के अंदर इसने बादशाह, जिसको अपन बादशाह का शब्द प्रयोग करते हैं, बादशाह की उपाधि धारण, बादशाह या बादशाह पहले, इससे पहले भी बाबर से पहले किसने उपाधि धारण की है, सुभुक्त भीम, ये गजनी का शासक था। और दूसरा था शाहरुख जो तैमूर का पुत्र, ये अब बाबर से पहले उपाधि धारण करने वाले बादशाह, बादशाह ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बादशाह और पादशाह बाबर से पहले किसने धारण की थी, तो ये क्या है, सुभुक्त भीम और शाहरुख। और कौन सी, खाकान की उपाधि धारण की 1526, कलंदर जनता के द्वारा धन दान या बांटने के लिए कलंदर कहा गया। हजरत फिरदौस मखन, ये भी बाबर की उपाधि, आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी शायद, तो ये बाबर की उपाधि, हजरत फिरदौस, फिरदौसी मखन। गाजी की उपाधि धर्म विजेता, ये भी उपाधि खानवा युद्ध के बाद में धारण की बाबर ने। मालियों का मुकुट कहा जाता है इनको, इनको बाग लगाने का बड़ा शौक था। जीवनी लेखकों और राजकुमार, बाबर ने जीवनी लिखी थी, बाबर नामा बहुत बड़ी विस्तृत विस्तार रूप से इसने अध्ययन किया भारत का, आगे पढ़ेंगे अपन, इसलिए इसको जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसको आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है। एक ध्यान रखना, कहीं कहीं इसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है, कभी ये शतरंज का मोरा होता है, कभी इधर उधर चलता रहता है, कभी कभी इधर जाकर फरगना गया, कभी समरकंद जीता, समरकंद जीता, फरगना निकला, इस प्रकार इसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शतरंज का बादशाह भी इनको कहा जाता। ये थी बाबर की उपाधि।
अपन आगे अध्ययन करेंगे ये। उन्हें एक बार बता देता हूँ कि पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या, कुतलुग निगार खानम। दादी का नाम आयशा बेगम, इसलिए प्रयोग करते हैं शब्द आयशा बेगम, इसलिए अपन यहाँ लिखा गया है। यूं तो दादी नानी का कितना नाम याद करें कि उन्हें जो उमर शेख मिर्जा की 1494 के अंदर मृत्यु होगी, तो 11 साल का बच्चा शासन चलाने इतना योग्य नहीं है, तो इसलिए इसको सहयोग किसने किया था, आयशा बेगम, ये दादी है। गई किताबों में इसका उल्लेख एहसान दौलत बेगम होता है, जो नानी है ये नहीं थी, इसको बैठाने में सहयोग आयशा बेगम ने किया था। ध्यान रखना दादा पर दादा का नाम था अबू सईद। उसके बाद ये महमूद और मीरान शाह तैमूर के चार पुत्र थे, और इन चारों पुत्र में से एक मीरान शाह का वंश बाबर है, ये ध्यान रख लेना। किसका वंश है, मीरान शाह का। अब ये मुगल शब्द प्रयोग किया गया, मुगल शब्द प्रयोग क्यों किया गया, मुगल वैसे मंगोल से बना गया है, मंगोल जो चंगेज खान, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र था चंगताई, यूरोपियों ने इसका शब्द का प्रयोग किया है, तो मुगल शब्द किसने प्रयोग किया, यूरोपियों ने। अब ये व्यक्ति है डेविड मॉर्गन्स, इसकी पुस्तक है द मंगोलस, इस पुस्तक के अंदर मुगल शब्द मिलता है, पर वैसे ये बाबर के वंश अपने आप को तैमूरिया के वंश और तैमूरिया शब्द प्रयोग करते थे, ये भी ध्यान रखना। अपने ये इतना अध्ययन किया इसके, अब अपने अध्ययन करेंगे बाबर, इसके बाद में ये उपाधियां अध्ययन कर लिए, इसके बाद में बाबर का वास्तव जो शुरुआती जीवन था वो किस प्रकार था, ये अध्ययन करते हैं। एक बार लिख लो आप इसको पुनः नोट्स के रूप में। अब अपन अध्ययन करेंगे शुरुआती राज्य के रूप में बाबर का शुरुआती संघर्ष किस प्रकार था, किस प्रकार की कठिनाइयां थी। तो एक राज्य था समरकंद, कौन सा राज्य था समरकंद, और इसी की थोड़ा सा इस साइड में एक राज्य था फरगना। ये दोनों राज्य वर्तमान में उज्बेकिस्तान के अंदर है, ध्यान रख लेना कौन है, उज्बेकिस्तान के अंदर। बाबर यहां का शासक है 1494 में बनता है, और यहाँ का उस समय शासक था 1400 जिसकी 1495 में मृत्यु हुई थी, अहमद मिर्जा। मिर्जा इनके सबके पीछे प्रयोग हो रहा, कारण कि मिर्जा इनकी उपाधि थी, मिर्जा पर जैसे मानसी को भी ये उपाधि देगा मिर्जा, तो ये इनकी पारंपरिक या पैतृक उपाधि थी मिर्जा। अब बाबर जब ये फरगना का शासक बनता है तो इसके लिए छोटा सा राज्य था, अगर बहुत ही सस्तर सेना में बहुत निपुण था, और इस कारण ये इसके अपने पैतृक राज्य पर अधिकार करना चाहता। तो ध्यान रखें बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था, किसके ऊपर, समरकंद। ये क्वेश्चन पूछा था बाबर ने कितने बार आक्रमण किया, तो बाबर ने कितनी बार किया, 5 बार आक्रमण किया था। पहले बार क्या था 1496, इसके अंदर बाबर हार गया। उसके बाद में बाबर ने आक्रमण किया 1497 में, इसमें बाबर जीत जाता है, उस पर अधिकार कर लेता है पैतृक राज्य में, पहली बार अधिकार किया समरकंद पर बाबर ने, कब किया 1497। यहां अधिकार करने के बाद बाबर यहां अपने शासन स्थापित करता है, सोधी शासन चलाता है। सोधी शासन चलाने के बाद में यहां का राजा था अली मिर्जा, अब मैं मिर्जा का शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अली मिर्जा। अली मिर्जा ने उज्बेकों के सहयोग से इसको हरा दिया, किसको, बाबर को। तो बाबर जैसे यहां से समरकंद हारा तो वापिस कहां गया, फरगना की ओर गया। कब, यह हारने के बाद में, वो सोधी शासन चलाने के बाद में वापिस वो फरगना की तरफ गया। जब फरगना में गया तब उसको पता चला इसका बाबर का एक भाई था जहांगीर, क्या नाम था, जहांगीर। बाबर जब समरकंद पर अधिकार करने गया, पीछे फरगना के अंदर खेल हो गया, क्या खेल हुआ, फरगना के अंदर क्या होता है कि बाबर का भाई था जहांगीर, इसने अफवाह फैला दी थी, बाबर बीमार हो गया, बाबर की मृत्यु हो गई और यहां पर सत्ता स्थापित करी। अब बाबर के पास फरगना रहा और ने समरकंद रहा, अब ये भटकता हुआ वापिस से, मैंने कहा कि शतरंज का बादशाह है, इसलिए कहता है कि शतरंज का मोहरा जिस प्रकार चलाया जाता है इस प्रकार ही चलता, समरकंद जीतता फरगना चला गया, जब ये फरगना जीतेगा तो समरकंद चला गया। अब यहां से ये भटकता हुआ कहता है कि यहां से ये जाता है
खेजंदा पहाड़ी है वहां पर कहता है कि 200 भक्तों के साथ में गया। वो कहता है कि मैं इतना वहां पर भटकते हुए इतना परेशान था कि कहते मैं बैठ के रोया हुआ था, खूब रोया था। ये अपने बाबरनामा के अंदर प्रयोग शब्द का प्रयोग करता है, खूब रोया था। अब ये सोदी शासन करने के बाद में यहां चला जाता है खेजंदा 200 साथियों के साथ, फिर वापिस हार नहीं मानता, फिर आता वापिस 1498 के अंदर, फिर ये फरगना पर अधिकार कर लेता। फरगना पर अधिकार करने पर फिर यही वापस सोचता है मैं वापस समरकंद पर अधिकार करूं, फिर ये आक्रमण करता है। कब करता है? 98 के अंदर जीतते ही वापस समरकंद जीतने की कोशिश करता है, यहां भी ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये तीसरा आक्रमण है इसका। अब चौथा आक्रमण करेगा ये 1500 के अंदर, और यहां ये समरकंद को फिर जीत लेगा। पहली बार नहीं जीत पाया, दूसरी बार जीत लिया, फिर तीसरी बार नहीं जीत पाया, फिर चौथी बार उसने किसको जीत लिया, समरकंद को जीता है 1500 के अंदर। अब कहते हैं कि यहाँ 8 महीने शासन किया, 8 महीने शासन करने के बाद में इस समय यहाँ का शासक था महेशकर मिर्जा। क्या नाम प्रयोग मिलता? महेशकर मिर्जा ने उज्बेक शासक था, क्या नाम था, शेबानी खान। शेबानी खान, शेबानी खान ने किसके सहयोग किया, महेशकर का सहयोग कर बाबर को हरा दिया गया। 4 महीने घेरे डाले रखा, 1 में आक्रमण किया, 2 में जीत लिया गया 1501 और 2 के अंदर, और इनके मध्य युद्ध हुआ था सरायपुर का। सरायपुर का युद्ध कब हुआ, 1501-2 के अंदर हुआ है, और किन किन के मध्य हुआ, बाबर और शेबानी खान के मध्य होता है। और इस युद्ध के अंदर बाबर हार जाता है, इस युद्ध के अंदर कौन हार जाता है, बाबर हार जाता है। बाबर जब हार जाता है फिर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ से न फरगना रहता है और न समरकंद रहता है। अब हारने के बाद में अब एक चीज होती है कि बाबर की एक बहन थी खानजादा बेगम, खानजादा बेगम बाबर की बड़ी बहन थी, ये भी युद्ध के अंदर किसके हत्या चढ़ गई, शेबानी खान के हत्या चढ़ गई, और शेबानी खान इसके साथ में विवाह कर लिया था। अब ये भी जाने, यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4 में बात बता देता हूँ कि शेबानी खान किसके साथ में विवाह कर लिया, खानजादा बेगम के साथ में विवाह किया। और विवाह के अंदर ध्यान देना, खानजादा बेगम ने 3 विवाह किए, कितने विवाह किए पूछा जाता है कि खानजादा बेगम ने कितने विवाह किए, 3 विवाह किया। पहला तो शेबानी खान के साथ में, दूसरा विवाह कहते हैं शेबानी खान का एक सैनिक था सैयद हदा, सैयद हदा इसके साथ में। उसके बाद में अपन आगे अध्ययन करेंगे, अगला जो संधि करेगा बाबर किसी ईरान के शाह के साथ में, उस संधि के अंदर वापिस ये प्राप्त कर लेता है, किसे, शेबानी खान की मृत्यु हो जाती है, ये वापिस प्राप्त करता है खानजादा बेगम को, अपनी बहन को, और वापिस लाता है, और अपने एक सेनापति होता है मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा इसके साथ में ये विवाह करता है। इस प्रकार इसके 3 विवाह, खानजादा बेगम ने कितने, 3 विवाह। अभी ध्यान रख लेना ये इसका उल्लेख क्यों करते, खूब सारी बहनें होती है, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे अपन, खूब सारी बहनें अध्ययन करेंगे तो फिर शासक का कब करेंगे, क्योंकि बाबर के कठिन समय इसने बहुत सहयोग किया था धैर्य रख के, और उसके बाद इसको बादशाह बेगम भी कहते, कहीं कहीं आपको उल्लेख मिल जाएगा कि बादशाह बेगम किसी किसको कहा जाता है, बेगम बादशाह बेगम खानजादा बेगम को कहा जाता है, जो बाबर की बड़ी बहन थी। इस प्रकार ये अपन अध्ययन किया है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ये यहां से भाग बाबर वापस भगा दिया जाता है, तो बाबर फरगना पर अधिकार नहीं करता है, अब की बार वो अधिकार करेगा किसके ऊपर, काबुल के ऊपर। और कब करेगा, 1504 में बाबर ने काबुल के ऊपर अधिकार करते ही कहा जाता है, इसके भटकते दिन वापिस खत्म हो गया। अभी यहां अधिकार करने के बाद वो मैंने बताया कि 1507 के अंदर इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की, इसने कंधार पर भी अधिकार कर लिया था, इसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया था। यहां अधिकार करने के बाद एक और घटना घटित होती है, मैंने बताया शेबानी खान। अब 1510 के अंदर क्या होता है, ईरान का एक शासक है शाह इस्माइल, ईरान का शासक कौन है, शाह इस्माइल।
शाह इस्माइल और शेबानी खान के मध्य क्या होता, एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है, मरु का युद्ध। मरु का युद्ध कब होता है, 1510। इस युद्ध के अंदर शेबानी खान मारा जाता है। जैसे ही शेबानी खान मरता है और बाबर के मन में पुनः एक बार समरकंद जीतने की लालसा बढ़ जाती है कि मैं अब वापिस, जो मेरा दुश्मन था, मैं जिसके कारण मैं बार बार समरकंद को जीतने के बाद भी खो देता था, अब शेबानी खान की मृत्यु हो गई है, अब मैं वापस एक बार किसको जीतता हूं, समरकंद को। बाबर ने क्या किया, यहां का मर का युद्ध किनके मध्य गया, शेबानी खान और शाह इस्माइल। ये कहां का शासक है, ईरान का शासक है शाह इस्माइल, सफवी वंश का है। किस वंश का है, सफवी। ध्यान रख लेना, मध्यकाल के अंदर तीन इस्लाम के बहुत बड़े वंश हुए थे, ओटोमन साम्राज्य, सफवी वंश ईरान के अंदर, और मुगल वंश भारत के अंदर। इनमें से एक ही सफवी वंश है। ये मुगल काल के अंदर ध्यान रखना कंटिन्यू, ये बाबर है, उसके बाद में अकबर है, उसके बाद में ये इनसे संबंध चलते रहेंगे, जहांगीर है, शाहजहां है, तो इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। अब्बास द्वितीय है, अब्बास प्रथम अकबर के टाइम है, अब्बास द्वितीय किसके टाइम है, ये पूरा पूरा हम अध्ययन करते रहेंगे। क्यों, हुमायूं वापस भटकता हुआ इन्हीं के शरण में आएगा, अध्ययन करेंगे आगे अपन। तो ये शाह इस्माइल और शेबानी खान के मध्य होता है मरु का युद्ध। मरु के युद्ध के अंदर शेबानी खान मारा जाता, युद्ध हार जाता। अब बाबर फिर सोचता है कि मैं वापस अधिकार करूंगा किसके ऊपर, समरकंद के ऊपर। इस पर अधिकार करने के लिए बाबर क्या करता है, समरकंद पर अधिकार कर लेता है। वापस कब करता है, समरकंद पर अधिकार कर लेता है 1511। अब उसने कहा कि मुझे स्थायी रूप से जीतने, भटकते हुए वापस नहीं है, भटकना नहीं है, तो उसको किससे संधि करनी पड़ी, शाह इस्माइल। अभी ध्यान रखना, बाबर और इनके मध्य एक संधि होती है, इनके मध्य बाबर और शाह इस्माइल के मध्य संधि होती है। और इस संधि के अनुसार अभी ध्यान रखना, ये शिया मत की है, किस मत का है, शिया। और मुगल किस वंश के थे, ये भी ध्यान पूछा जाता है, मुगल किस कौन से संप्रदाय के हैं, ये है सुन्नी। अब ये संधि चलने वाली नहीं, ये सुन्नी है मुगल और ये शिया है, फिर भी बाबर संधि करता है, परिस्थितियों किस किस को झुकाती नहीं है, ये संधि करता है। संधि के अनुसार क्या करते हैं, शाह इस्माइल के नाम का क्या पड़ेगा, खुतबा पड़ेगा बाबर। इनका सिक्कों पर नाम का प्रयोग करेगा, जो बाबर के सिक्के हैं उस पर किसका नाम लिखेगा, शाह इस्माइल का। और जो खानजादा बेगम था, मैंने कहा इस खानजादा बेगम ने तीन विवाह किया था, किसके साथ, शेबानी खान, सैयद हदा और मेहंदी ख्वाजा। अब ये शेबानी खान मरने के बाद में ये सैयद हदा के विवाह करती है, उसके बाद में ये हत्या किसके हत्या चढ़ जाती है, ये शाह इस्माइल के हत्या चढ़ जाती है, ये इसके अधिकार में आ जाती है। बाबर इस संधि के अनुसार वापस अपनी बहन को प्राप्त करता है। इस बहन को प्राप्त करने के बाद में वो ही मेहंदी ख्वाजा के साथ में विवाह करवाता बाबर। तो ये यहाँ ये संधि की प्रयोग के लिए एक तो खुतबा पड़ेगा, दूसरा सिखों पर शाह इस्माइल का नाम प्रयोग करेगा। बाबर किस संप्रदाय को मानेगा, सिया मत को मानेगा, सुन्नी मत को छोड़ देगा। और उसके बाद में खानजादा बेगम, खानजादा बहन को वो वापिस किसको सौंप दी गई, बाबर को सौंप दी गई। तो ये एक तरह की संधि की थी, किसके साथ में, शेबानी खान के साथ में। अभी संधि चली नहीं, क्यों, दोनों अलग अलग मत के थे। बाबर के जो सैनिक थे या मौलवी थे, जितने भी अमीर थे, अमीर जो अभिजात या कुलीन वर्ग था इस्लाम धर्म में, उसको अमीर कहते हैं, तो अमीर थे, जितने भी नाराज होने लगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद में वापिस सुन्नी संप्रदाय को ही मानना शुरू किया गया, इसलिए वापिस उसकी जो असंतुष्ट थे जितने भी अमीर थे, इसलिए तो ये संधि ज्यादा दिन चली नहीं। इतने में पीछे क्या होता है, शेबानी खान का एक पुत्र होता है, सॉरी शेबानी खान का भतीजा होता है, और उसका नाम होता है अब्दुल्ला उज्बेक। वो वापिस समरकंद पर अधिकार कर लेता है और इनके मध्य युद्ध होता है कुली मलिक का। ये अपना आगे बढ़ेंगे, एक बार इसका पुनः अध्ययन कर लेते हैं अपन। बाबर किस वंश का था, मुगल वंश का था। मुगल किस शब्द से बना, मोंग, जिसका अर्थ होता है बहादुर, लेटिन भाषा का शब्द है। वैसे ये अपन वास्तविक रूप से इसका मंगोलों से लेते हैं, क्योंकि बाबर की माता थी जो किस वंश से थी, चंगताई,
जो चंगेज खान का द्वितीय पुत्र था चंगताई, उससे 14वीं पीढ़ी की माता थी कुतलुग निगाह खाना। इसलिए इसमें दो मध्यकाल के विजेताओं का मिश्रण था। इसलिए मंगोल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और मंगोल से ही मुगल बना। और उसके बाद अपने वंश को, ये अपने आप को क्या कहते थे, तैमूरिया कहते थे। ये तैमूर का 5वीं पीढ़ी का बाबर था, ध्यान रखना। ये तैमूर के तृतीय पुत्र था, कौन क्या नाम था, मीरान शाह, उसके वंशज थे। उसके बाद में माता का नाम कुतलुग निगाह खानम, दादी का नाम आयशा बेगम, इसी ने बाबर को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था। शुरुआती संरक्षण के रूप में कार्य किया था। बाबर 1494 में गद्दी पर बैठा था, 11 वर्ष 4 महीने का था। अब एक पुस्तक है, अब यह आप ध्यान रखेंगे, मुगल शब्द है सबसे पहली बार यूरोपियों ने प्रयोग किया है। और ये व्यक्ति है डेविड मॉर्गन्स, इसकी पुस्तक दी मंगोलस। इस पुस्तक के अंदर मुगल शब्द मिलता है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में बाबर 1494 में गद्दी पर बैठते ही वो अपने पैतृक राज्य समरकंद को जीतना चाहता है। अब ये ध्यान रखना, फरगना की राजधानी कौन सी है, फरगना की राजधानी है अंदिजान। फरगना की राजधानी कौन सी है, अंदिजान। अब वो फरगना छोटा सा राज्य था, उस पर अधिकार करने में वो अपना आप ही छोटा सा महसूस कर रहे थे। वो समरकंद पैतृक राज्य पर अधिकार करना चाहता है। पहले अपने उपाधियां पढ़ ले, इसकी पैतृक उपाधि थी मिर्जा। 1507 की उपाधि धारण की, उसने खाकान की उपाधि 1526 में धारण की। इसको कलंदर भी कहा जाता है, हजरत फिरदौसी मकानी भी इसको कहा जाता है, हजरत फिरदौसी मकानी, ये भी इनकी उपाधि। गाजी की उपाधि जो धार्मिक उपाधि, खानवा के युद्ध के बाद में ये प्राप्त किए। इसको मालियों का मुकुट या मालियों का राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि ये उपवन या वन लगाने में, बगीचे लगाने में बड़ा शौकीन है। भारत में बगीचे लगाने का कार्य या ये गार्डन की तो पद्धति है, ये पहली बार मुगलों ने ही शुरू की थी। इसको जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है, जीवनी लेखक, मतलब इन्होंने बाबर नामा एक जीवनी लिखी थी, उसी कारण इसको जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी कहा जाता है, ध्यान रखें। इसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है, कभी इधर भटकता है, इसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है। ये इनकी उपाधियां थी। अभी ध्यान रखना, पादशाह की उपाधि पहली बार सुबुक्तगीन ने धारण की। उसके बाद में शाहरुख की, तैमूर का बेटा था, इसने भी धारण की थी। बाबर से पहले किसने धारण की, सुबुक्तगीन और शाहरुख। एक बार हम कहेंगे, पढ़ते हैं कि सुल्तान की उपाधि पहले किसने धारण की थी, तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी पहली बार। उसी प्रकार ये सुबुक्तगीन और शाहरुख ने, उसके बाद में शाहरुख ने, उसके बाद में बाबर ने धारण की है 1507, जिसका अपन प्रयोग करते हैं सुदृढ़ रूप से, क्या बादशाह, वैसे वास्तविक शब्द क्या था, बादशाह। अब उसके बाद में अपन अध्ययन करते, बाबर समरकंद पर अधिकार करता है, कितनी बार, 5 बार अधिकार कर लिया, और उसमें 3 बार बाबर अधिकार, 5 बार आक्रमण करता है, 3 बार उसको जीत लेता है। ये भी ध्यान रख लेना, कितनी बार अधिकार करने की कोशिश करता है, 5 बार, उसमें से 3 बार जीतता है, और अंतिम रूप से ये कब अधिकार करता है, 1511 के अंदर। मैंने यहां बताया आपको 1511 के अंदर बाबर इसके ऊपर अधिकार करता, 10 में ये मरो का युद्ध हार जाता। उसके बाद 1511 अंतिम बार किसके ऊपर अधिकार करने की कोशिश करता है, समरकंद, और ये जीत लेता। उसके बाद में ये कभी समरकंद की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, फिर वो भारत की तरफ आता है। आगे अध्ययन करेंगे अपन। और ये 1510 के अंदर युद्ध हुआ है मरो का युद्ध, इनके मध्य हुआ, शाह इस्माइल और शिवानी खान के मध्य हुआ है। और शाह इस्माइल किस वंश का था, सफवी और ईरान का राजा था। ये जीतने के बाद बाबर ने 1511 के अंदर समरकंद पर अधिकार कर लिया। उसने कहा अवधि स्थायित्व चाहिए, तो उसे किससे संधि करनी पड़ेगी, शाह इस्माइल से। शाह इस्माइल से ये संधि करता है, इस संधि के अनुसार 2-3 शर्तें होती कि खुतबे के अंदर वो किसका नाम प्रयोग करेगा, शाह इस्माइल का प्रयोग करेगा। उसके बाद में सिक्कों पर भी किसका, अकबर के, बाबर के जो सिक्के होंगे उस पर किसका नाम प्रयोग करेगा, शाह इस्माइल का। और वो खानजादा बेगम है जो शिवानी खान, मैंने यहाँ बताया ये लेके चला गया, लूट लिया था 1500 इसमें, कौन सी सरायपुर के, इसको वापस देगा, किसको देगा, बाबर को वापस लौटा दी गई अपनी बहन। ये इसकी 3-4 शर्तें थी। उसके बाद में ये सियामत को स्वीकार करेगा, क्योंकि ये ईरान के शासक सियामत के हैं, और मुगल थे वो कौन से थे, सुन्नी मत। इसी कारण इनका ज्यादातर ये संधि चली नहीं, ज्यादा दिन चली नहीं, उसके बाद में संधि भंग हो जाती है। वापस उज़्बेक शासक होता है अब्दुल्ला, जो शिवानी खान का भतीजा था, वो आक्रमण करता है, और उस आक्रमण में बाबर हार जाता है। कुल मलिक, अपन आगे अध्ययन करेंगे कुल मलिक
कहते हैं। अब इतना